Assalamu alaikum and welcome to your favorite show, The Couple Show Season 2. Kaise hai aap log? I hope theek thaak honge. If anybody's wondering why I'm not wearing a suit today, is that I have some young people on the set. Bahut sari taaliyan un do young logon ke liye. Bahut hi chamak rahe hain wo aaj, bahut hi damak rahe hain. Aur guests jab itne pyare pyare lag rahe ho, to aapko bhi thoda, thoda workout karna padta hai cheezon ko. But ye sab main akele nahi kar sakta hoon. So, isliye, I would like to call on stage the one that has to be with me, otherwise, all of this is not going to be possible. To bulate hai unko, without any further ado, please welcome the one and only Hina Aga! Assalamu alaikum, everybody watching The Couple Show Season 2. Jaise ki Aga ne bata diya hai. वैसे आहा, I'm very surprised you're not wearing a suit today. I am not. Yes. लेकिन आज जो गेस्ट आए हैं, जब उनका मुझे पता लगा कि वो आ रहे हैं, था like they're going to be four young people on the set. So why not just casually dress up? All right. So moving on to this. यार बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह. Thank you. You look very very nice. Thank you. And you're actually आज आपने कलर मैच किया है हमारी गेस्ट के साथ. I saw that. मैंने कपड़े नहीं देखे उनके अभी. Yeah, मैंने देखे. और मैंने क्योंकि देखे तो मैंने कहा कि वाह. क्या थिंक लाइक हो रहा है? I want it to stay as a surprise for me. So अब हम बात करते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी कपल के बारे में. जी जी जी, बहुत ही लेटेस्ट सेंसेशनों का सेंसेशन है वो लोग. कि हमारे यहाँ पे लोगों का बहुत प्यार मिलता है कपल्स को, हमें मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह. You know, there are a lot of other couples, celebrity couples that you guys love a lot. तो बहुत ही खुशी होती है ये देख के कि उनको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया. माशाल्लाह. अगर मैं हमारी फीमेल गेस्ट की बात करूं, yes. तो वो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा. शी इज वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन द कंट्री टुडे. और बहुत ही कमाल एक्टिंग करती हैं. मैंने उनके साथ एक बहुत ही सीरियस और फिर एक बहुत ही कॉमेडी काम किया था, और दोनों में ही मुझे लगा कि बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है, बहुत मजा आया. और आगा मैं एक चीज उनके बारे में मेंशन करूंगी, एक होती है मेहनत और एक होता है अच्छा नसीब भी होना. यू नो, काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं उनका एक इंटरव्यू भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन मैंने किया तो वो हिट हो गया. सो वो उस नसीब को आप कहते हैं कि मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाए. सो शी इज वन ऑफ देम. माशाल्लाह माशाल्लाह. माँ बाप की दुआएं हैं जो हम सबको इतना आगे लेके आती हैं. उनके साथ भी बहुत दुआएं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि उनके करियर में एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया उसने टीआरपी ली ही ली. yes. और अगर उस चमकते दमकते बॉय की मैं बात करूं, oh. he is definitely one of the most good looking boys that we have in the industry. Very talented, very good actor. और आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त जा रहा है आगे, उनकी जो पसंदीदगी है लोगों में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. और आपको पता है कि वो जिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स के खानदान से हैं, लेकिन वो वही वाहिद थे जिनमें जरासीम थे एक्टिंग के. उनको लोगों ने बहुत पसंद किया, मर्चेंट नेवी में भी काम कर चुके हैं, और इतनी प्यारी एक्ट्रेस का दिल भी उन्होंने ऐसे जीत लिया. अब ये पता करते हैं कि ऐसे जीता था बहुत सारी तालियों में. प्लीज वेलकम अरेज अहमद एंड हिबा बुखारी. प्लीज बैठिए. क्या आप दोनों चमक रही हैं आज? बहुत सारी तालियां. आवाज जैसे ही दोनों आ रही थी, और जब माशाल्लाह माशाल्लाह नजरें बच से बचाए, द वे दे वर कमिंग, यू नो, फ्रॉम दिस साइड, मुझे ऐसे लग रहा था कि क्वीन एलिजाबेथ की किसी फंक्शन में एंटर हो. और आवाज मेरा दिल कर रहा है दैट कॉम्प्लीमेंट कि मैं खानदान की किसी एक बड़ी खातून की तरह कहूं कि यू नो बलाएं ले लूं. थैंक यू सो मच. सो स्वीट. आते ही आपकी नजरें उतर रही हैं माशाल्लाह. अभी भी हमारी इतनी अच्छी तारीफ किया तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. माशाल्लाह, आप लोगों को मैं मिला हूँ पहले बहुत. रिवा के साथ मैंने काफी काम भी कर लिया. हाँ. तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, काफी कर लिया ना. तो मुझे ऑनेस्टली जो लगता है, मैं कहता हूँ, और मुझे लगता है यू गाइस डिजर्व दिस माशाल्लाह. और आजकल तो जहाँ देखो वहाँ पे आपके चर्चे हैं, तो फिर हम क्यों ना कहें ये सब. और उसके अलावा जो यू नो ऑब्वियसली सोशल मीडिया और जो आपके जो फैंस हैं, वो जब आपको इतना चाहते हैं, वो पता है फिगर आउट करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा यू नो इट्स आरेज एंड हिबा टुगेदर नाउ, अच्छा शायद शादी की बातचीत चल रही है. सो उतनी क्यूरियोसिटी एक तो पैदा हो गई थी, फिर माशाल्लाह आप लोगों ने खुद भी अनाउंस किया, वो हमारे लिए एक तो बहुत खुशी की बात थी, पर आपके फैंस इतने खुश हुए थे. और हमारी न्यूज ब्रेक करने से पहले यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो स्पेकुलेशन शुरू हो गई. यस यस, बहुत पहले से शुरू हो गई थी. उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ होता है वैसे. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. असल में हुआ, यू कैन से इट, क्योंकि मैं यूजुअली आई एम नॉट दैट
easy with the co-actors. Yeah, so the people were like, अच्छा सही है कि अच्छा ये इसके साथ है और pictures आ रही हैं। Morning show की तस्वीर के बाद शुरू हुआ था। Yeah, I think आप लोगों को इतने अच्छे लगे एक साथ कि उन्होंने ये मान लिया कि यार you know ये होना चाहिए और फिर माशाल्लाह हुआ और क्या खूब हुआ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार। लेकिन मैंने तो आगा हिबा का जो अनाउंसमेंट का तरीकेकार था वो तो मैंने पढ़ा भी था जिसपे हिबा ने बड़ा मेंशन किया कि हाउ अनकंफर्टेबल आई वाज बिफोर ऑब्वियसली नाउ दिस इज माय सेफेस्ट प्लेस आई टेल यू वी इवन हैव अ पिक्चर जिसके अंदर ही स्टैंडिंग तो हम कैसे हाथ रखा हुआ था हमने ऐसे पीछे करके ऐसे रखा हुआ ना दूर बिकॉज आई वाज लाइक दूर रहना तो ये आई थिंक इससे दूर और इसने यूं हाथ रखा हुआ यूं रखा हुआ और मैं यूं खड़ी हुई। ऐसा क्यों इतना क्यों खूनखार लगा लड़का आपको? नहीं नहीं आप शुरू में ऐसा कुछ नहीं है It's just the way you are. Yes, that's the way I am. You remember? Even we were doing it and you told me once कि हम एक सीन कर रहे थे तो मैं हम असद जबल वाली टेलीफिल्म कर रहे थे ओके तो उसके अंदर एक सीन था कि उसके अंदर वो कहता है कि यू नो इट्स ओके और जब इन्होंने यूं किया एंड आई वाज लाइक मैं यूं थी ना तो असद जबल केम अप टू मी ही इज लाइक यू डोंट हैव टू डू दिस थोड़ा सा रिएक्ट करो मैंने कहा हां तो ही इज लाइक लिसन इट्स ऑल प्रोफेशनल इट्स ओके एंड आई लाइक या आई मीन सी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली आई वाज लाइक यस आई नो दिस एंड आई वाज लाइक बट इट्स जस्ट दैट यू नो हां ओके यू आर प्लीज एट दैट टाइम आई मीन सी उसमें एक और सीन था एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड टू होल्ड योर हैंड एंड आई टेक यू एंड आई सेड कि ये हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे लगता है किसी भी को एक्टर को ये बड़े ही डिग्निफाइड तरीके से ये करना चाहिए कि somebody is not comfortable with something you have to hook up with that and I लेकिन अभी आप दोनों ने जो रीसेंट टेलीफिल्म की है आप कहने लगे अभी आप दोनों ने हाथ पकड़ा हमने मुझे ऐसा लगा कि वो अभी आप लोगों ने हाथ पकड़ लिया था लेकिन अभी जो रिसेंटली माशाल्लाह दोनों ने टेलीफिल्म की उसमें मुझे आगा ने घर पे आके बताया कि यू नो शी इज सच अ नाइस गर्ल एंड शी नो अपने काम से काम मतलब रखना एंड मैंने आरएस के साथ एक ड्रामा किया है और आरएस की गवाही मैं देती हूँ दैट ही इज सच आपको भी कहा और वैसे भी आई थिंक एवरीबॉडी नोस हिबा इज अ ग्रेट ग्रेट गर्ल और सबसे अच्छी बात यह है कि हिबा इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू नो एज एक्टर्स हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रीट हो जाता है कि हमारा को एक्टर मेहनती है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपको आपका को एक्टर मेहनती मिल एग्जैक्टली व्हाट डू यू आई विल आस्क यू दिस अरेज रिसेंटली किस एक्टर के साथ काम किया और लगा कि यार ये बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं मतलब कि हार्ड वर्किंग है चलो हार्ड वर्किंग है अली अब्बास इज वेरी हार्ड अगर हम एक same gender की बात करें yeah and I've seen you guys in a lot of he's my cousin as yeah, well course, very happy course, to hear yeah, that yeah. you are hard working man yeah. always hard working and very intelligent actor mashallah very intelligent actor जिस चीज में मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है आप दोनों की लव स्टोरी क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कहाँ मिले कैसे मिले क्या अच्छा लगा दोनों को एक दूसरे हिमा शर्म क्यों आ रही है शादी हो गई है अब ये तो होगा she gave this look to Ares like oh she actually didn't give it to look at anyone no no I didn't give a look yeah I didn't look at anyone I was like you see he knows I didn't give a look I was just being like matlab okay so you have these two props here I'll help you guys with this wow mere help karne pe jo band ne bajaya na ye acha laga mujhe ye aapka hai ye aap unhe de diye wow hello ye baat okay so karna ye hai कि हम आपसे पूछेंगे सवाल yeah, okay. जैसे हम ये पूछेंगे फॉर एग्जाम्पल कि आप ज्यादा अमीर कौन है तो आप एक जो होगा वो ऐसे करेगा चलिए यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि आपकी लव स्टोरी को डेडिकेट किया हमने तो ज्यादा रोमांटिक कौन है दोनों में से लकी मैन अगला सवाल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू आस्क लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ कि ज्यादा शकी कौन है कहाँ थे किधर थे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे एटसेट्रा एटसेट्रा दोनों में से सरप्राइज देने वाली जो एक तबीयत होती है सरप्राइज बना
डिसाइड तो कर ले। सच बोलो बताओ। ओके बोथ ऑफ अस एट टाइम। ऑलराइट। सर का दोनों को ही शौक है। दैट्स सो स्वीट। अगला सवाल है, ज्यादा सबर किसमें है? सही जवाब है। मैंने गिरा दिया। गिरा दिया पॉपकॉर्न। ठीक है यार, इसने गिरा दिया। मतलब इतना उतावला लड़का नहीं है। है ही नहीं। है ही नहीं सबर। मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन आई एम प्रैक्टिसिंग दैट। लेकिन आगा आरिस को देख के लगता है ही इज वेरी पेशेंट। ओह, बहुत कुछ देख के लगता है, जो कि डिसीविंग है। ये बड़ा एडवांटेज है मुझे। और ये पूरा एडवांटेज उठाते हैं। एडवांटेज से शुरू कर लेते हैं। ज्यादा एडवांटेज को उठा लो। मैं खुद कर सकता हूं। अभी नहीं काट देना, अभी काट। अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, मेरा सवाल ये है कि दोनों में से एक दूसरे को जो ये जो होता है ना, पहली बार मुझे आपसे मोहब्बत सी हो रही है शायद वाला जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, इस कॉन्वर्सेशन में पहले किसने ये कहा था कि आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू एंड यू नो? दोनों ने एक साथ 1 2 3 मुझे तुमसे शादी कैसे कौन बोलता है? अच्छा मैं बताती हूँ, ये बताएंगे तो फिर स्टोरी सामने आ जाएगी। हमने कहा नहीं था एक्चुअली, पूरी स्टोरी सामने आ जाएगी। क्योंकि आई टेल यू, हमने कहा नहीं था, हम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा था कि एनीथिंग लाइक दिस। हमने अरेज, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। अरेज सच बोलेगा, मुझे पता है। अरेज का चेहरा मुझे बता रहा है कि तुम्हारा वर्जन है इसका। हु प्रपोज्ड? नहीं, यही प्रपोज्ड। आई प्रपोज्ड, ऑफ कोर्स प्रपोज्ड। लेकिन वाइज है बस सीन के कुछ नहीं मान रहा हूं। डेट क्या बन गया यार? बोल जानना चाहती हूं। अरेज ने कहां प्रपोज करें हिमा की? ओके ओके, टेल मी कहां प्रपोज। हां भाई जरा बताना। लाहौर में हम प्रपोज, मतलब मैंने ये कहा था कि मैं अपने अम्मी अब्बू लाना चाह रहा हूं आपके घर, तो क्या इजाजत है? हां आपको ये प्रपोजल नहीं लगा? ये अभी लगा फिर? चलिए जी, अगला सवाल है कि माशाल्लाह शादी हुई है, इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, नाच गाना भी हुआ होगा, तो ज्यादा अच्छा डांस कौन करता है दोनों में से? अरे जिसका नाम है द हुक स्टेप। सो इसमें जो भी आता है और क्लेम करता है कि मैं अच्छा डांसर हूँ, तो फिर वो हमें कोई एक हुक स्टेप बताता है, और आज आई चाहूंगा कि आप हमें इसमें सिखाएं, मदद करें। तो आप दोनों को क्या लगता है, आप दोनों में से ज्यादा अच्छी फैशन सेंस किसकी है? इतना डाउटफुल पॉम पॉम उठाते हुए मैंने नहीं देखा। It was like duh. Okay, it's me. All right. So मतलब boy बिल्कुल बहुत नहीं बहुत अच्छी है, मैं बताती हूँ। अच्छा, हर सवाल के जवाब के पीछे कहानी है। I tell you, once I was हम जैसे shop करते हैं कभी और आप अकेले होते हैं, तो I just sent a picture कि you know कि कुछ कपड़े देख के आप कहते हैं कि dude ये देखो, आओ साथ में हंसें। कुछ कपड़े होते हैं कि ये देखो यार ये कौन पहनता होगा, and all of a sudden you get a voice note from him. Oh my God, that's dope, le lo. And I'm like, okay. But the body opposite taste hai. Haan, she's more of blacks, grays, whites. What you और can मैं see बहुत कलरफुल हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं आप, मतलब तो ये कहाँ है वो कलर? पता नहीं यहाँ एक गम ही कुछ हो गया। हाँ, कुछ उधर कलर सूर हो गया है, ऊपर ऊपर के बाहर आ रहा है। और मैंने अपनी रीसेंट वार्डरोब देखी और उसमें सारे काले, सारे ग्रेज। वो कहते हैं ना कि हम उनके रंग में रंग वाला हो गया। चलो कोई बात, अगला सवाल है कि ज्यादा लेट लतीफ कौन है? लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब हिबा कितना लेट कर देती हैं आरिस अगर कहीं जाना है? मैं ऑन टाइम होती हूँ। जितना उस जितना जगह एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है लेट उतना लेट। ओए होए, तो आपने सबसे ज्यादा इंतजार कितने घंटे का किया होगा तकरीबन? अच्छा, मैं बताऊँ क्या, उसमें घंटे का इंतजार नहीं था, उसमें ये था कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी बस। अच्छा, मैं बैठा हुआ आराम से तैयार होने में, फ्लाइट में नहीं तैयार नहीं हुई थी, लेट पहुंची लेट आप। हाँ, पहुंची मैं कहीं और से आ रही थी तो और हम बैठ गए, समझ रहे हैं। चले सही है, एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वो आखिरी सवाल क्या है? वो आखिरी सवाल ये है कि आप दोनों में से ज्यादा नखरेलू कौन है? खाने पीने पे ये नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, ये नहीं पहनूंगा, ऑल ऑफ दैट। उठाओ क्यों? क्योंकि हो नहीं करो आप
यार ये कसम से कोई बात नहीं, मे गॉड ब्लेस देम, दे वेरी क्यूट माशाल्लाह. हमारे साथ है जी द एडोरेबल हिबा बुखारी एंड द वेरी ग्रेसफुल अरेज अहमद. और हम बहुत सारी बातें करेंगे लव स्टोरी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे. राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक. कीप वॉचिंग द कपल शो सीजन 2. हमारे उस सेगमेंट की जिसका नाम है द वेरी ओल्ड अंताक्षरी. और ये सेगमेंट हमने स्पेशली हिबा की रिक्वेस्ट पे एंटर किया है क्योंकि वो कहती हैं कि वो बहुत अच्छा गाती हैं और ये हमारा चैनल जो है वो ये स्किल से लुत्फंदोज होना चाहता था. But why is Hiba so shocked? Are you? Okay. तो जैसा कि हिबा आपको बताया कि मैंने जो गाना गाया वो एंड हुआ है चले पे. तो जो अल्फाबेट सेकंड लास्ट वर्ड के हिसाब से आएगा वो आएगा ये. तो ये से आपने गाना गाना है. 10 सेकंड है आपके पास. अगर आपने नहीं गाया तो हम जीत जाएंगे. 10. Come on. ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया. किस्मत से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा. वो है ना दिल गलती कर बैठा है. गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा. तू बोल कफारा क्या होगा. बोल कफारा क्या होगा गा 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 गा
साउंड डाउन करना. क्या है वर्ड आखिरी सेकंड लास्ट? गा 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 गाएगी दुनिया गीत मेरे. ये अभी तो उनको भी पता नहीं चला. समथिंग समथिंग पाकिस्तानी लाले अंग में अंग में अंग में कैसे अंग अरे अंग में एंड में आता है अंग में एंग में मीम ये नून मुन्ना यानी कि ये यार बिना दिल मेरा नहीं हो लगता. क्या बात है यार, बहुत सारी तालियां आ रही हैं. नहीं लगता, नहीं लगता, फिर नहीं लगता और नहीं लगता, मतलब दाल दाल फिर दाल दाल. दूर 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 दूर. नो सिंग. अच्छा
अच्छा गाए थे आप, छह बार वो ये करते हैं, तो मतलब 30 सेकंड का गाना था इसलिए मैंने जो गाया। आगे एक शेर तो गा दे, सूरज से कोई आए आए कभी दुखने से वो दिल में समाया साजना। वादा करो साजना तुम भी जीवन की इस राह में, हर गीत हर शाम में बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी भी कभी भी 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 हे 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 हाय हाउ आर यू वन आता है हाँ अच्छा नहीं आता थ्री फोर इजी थोड़ा स्लो करो ओके थोड़ा आराम से करो हाँ. कौन सा गाना था वो हारू नहीं याद नहीं होता ये या हबीबी दे दे दिल ओ महबूबा दे दे जा ओ महबूबा या हार ओ महबूबा 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 दे दे दिल ओ महबूबा दे दे जा ओ महबूबा या हार आपको आता है जो काउंट डाउन देना है ना इतना आसान कि मैं क्या बताऊं आ गया मुझे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे मेरी अल्तजा है खुदा से दुआ है दो दिल जुदा ना करे हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे रे ऐसे रे। लग रहा है कि जैसे हम रे I wish I could help Aga. मुझे लगता है हमारे hosts फंस गए हैं। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से डाल आ जाए कोई बात नहीं। अब तो I'm in हो गया रे रे। रे टेन रे। आ गया गाना याद आ गया। रुक बाबा रुक करे। टू हो रे बन आ गया। रे सेवन सिक्स फाइव फोर फोर थ्री रे टू रे वन I cannot sing this. One भी हो गया. But one हो गया. Okay. And we get the point. We get the point. कोई लिख रहा है? We get the point. What is the song? Ten. रात फैली है तेरे. I cannot सुर में यहाँ चल की तरह. चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह. रात फैली दोनों का ही सेंस म्यूजिक में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन ये जो रे वाला था ये माइंड ब्लोइंग क्योंकि ये मेरे माइंड में दूर दूर तक नॉट ब्लोइंग लेकिन बहुत ही अच्छा खेले आप लोग बहुत ही कमाल और आप बहुत अच्छा गाती है माशाल्लाह और आप बहुत अच्छा गा सकते हैं ये मुझे उम्मीद है लेकिन इसी के साथ साथ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे क्योंकि सबने तीनों ने मिलके गाए तो ब्रेक में मैं जाना चाहूंगी द ओनली थिंग आई वाज डूइंग थ्रू आउट द सेगमेंट वाज सो आई वांट टू गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ यू आर वाचिंग द कपल शो सीजन 2 Disco Divane Together
back, everybody, to the couple show season 2. अरे यार, इतना डांस मैंने ना किया ही नहीं है यार कभी. थक गया मैं. और मैं कहता हूँ विवाह, what a performance. It was brilliant. Thank you. But dude, you dances very well, yeah. You dance really well. दोस्तों की मेहंदियों मुझे लगा आरिज के मेहंदी बहुत हूँ मैं नाचा हूँ जिसके अंदर भी थोड़ी सी डांसिंग बोन होती है ना रिश्तेदार पहले ही उसको कह देते हैं आगे कर देते हैं बेटा सो कहना कि मेहंदी आ रही है आपने ही करना है जो करना है वो जो करना है वो एक्चुअली डांस परफॉर्मेंस करना है बट कोई बात नहीं बट यू डांस रियली वेल एंड आई होप वन डे समवेयर इन द वर्ल्ड यू विल डांस वेल एज वेल सो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये हुक स्टेप करके बहुत सारी तालियां और अब वक्त हुआ जाता है उस बहुत ही कमाल गेम का जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है और इसमें शर्त बता दूं क्या आपकी बिल्कुल बताएं ओके तो ऐसा है कि हमारे पास चंद तस्वीर हैं मेरे पास कुछ मेल हजरात की तस्वीर और मेरे पास कुछ खवातीन हैं हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं शायद पॉलिटिकल फील्ड से भी मतलब सेलिब्रिटीज हैं वो सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स हैं हम आपको बारी बारी दिखाएंगे जैसे आपको है ना कोई फीमेल एक्ट्रेस पॉलिटिशियन हूएवर और आपको चूज करनी है उनकी कोई एक क्वालिटी जो आपको हिबा को देनी ही देनी है एंड वाइस वर्सा हाँ या आप चाहते हैं कि आप वो क्वालिटी हिबा में देखें और कुछ भी हो सकता है कोई फीचर हो सकता है कोई पर्सनालिटी ट्रेड हो सकता है हाँ आंखें भी हो सकती हैं आंखें बाल एनीथिंग एनीथिंग जी जी तो पहले हम शुरू करते हैं हिबा से हिबा को पहली तस्वीर दिखाएंगे आगा मैं दिखाऊंगा ओके ओके तो पहली तस्वीर है जो चाहेंगी कि आरेज में काश होती हमारे प्यारे शेख रशीद साहब के लिए तालियां आई थिंक इनका बोलना कि ही इज रियली आउटस्पोकन एंड ही एक्सप्रेस हाउ ही फील्स ही इज नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल ओहो तभी रोमांटिक ज्यादा पे नहीं हिबा ने हाथ उठाया था ओके ऑलराइट सो आरेज आप क्या चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट फीचर और से देख लें ओके दैट्स ट्रिकी वाटर्स है अभी ये बहुत ट्रिकी वाटर्स है लड़का थोड़ा परेशान हो गया है लड़का काफी परेशान हो गया अगर स्किप करेंगे तो क्या होगा फिर से हुक स्टेप करना पड़ेगा मेरा माइक दे दो मुझे रेडी हम द ऑडेसिटी जिससे ये जब आड़े हां जब द ऑडेसिटी जिससे ये अपनी शायरी पढ़ती हैं इन्होंने एक शो में अहमद फराज साहब के साथ अपनी एक शायरी इन्होंने पढ़ी अहमद फराज से पूछती है कि ये सुबह आप कह रहे कि ये जो बेधड़क होना है ये आप चाहते हैं मतलब ओके अच्छा दोनों ही चाहते हैं दूसरे को कि दोनों ही आउट स्पोकन एंड लाउड मतलब शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर लेकिन ये फिर भी हिचकिचाती है अभी भी हिचकिचाती है हां तो वो खत्म हो ओके ठीक है ओके अगली पिक्चर की बारी है और ये है हमारे प्यारे हमारे सईद साहब बहुत सारी तालियां इनके लिए अनडाउटेडली अ मेगा स्टार विद अ लॉट ऑफ क्वालिटीज दैट पीपल लाइक हिम फॉर आप क्या इसमें से चाहेंगे आई थिंक हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ जो अब मतलब यू नो ही इज अ स्टार अगर अभी भी आप कंसीडर करते हैं तो ही इज अ स्टार देयर तो आई थिंक दैट थिंग कि वो जो एक अपना पर्सोना जिस तरीके से लेकर समझ रहे हो समझ रहे हो क्या बात हो रही है यहां हां ठीक है फिर व्हिच इज नाइस थिंग ओके अगली तस्वीर अब मैं दिखाऊंगी आरिज को So we have the sweetheart of Pakistan, Mahira. Nice, cute. I met her once. हम शूट कर रहे थे और वो गुजरी and I was really starstruck. ये कहाँ शूट करते हो जहाँ से Mahira Khan गुजर जाती है? मेरी शूट के पास से क्यों नहीं गुजरती Mahira Khan? MD के ऑफिस में शूट कर रहे थे. ओह अच्छा वहाँ वहीं ये भी शूट करने आए. ठीक हो गया डन हो गया. हाँ वहाँ मैं शूट नहीं कर रहा. वहाँ नहीं ना और ये क्या करें? And I was starstruck. मुझे लगता है जो इनका जो popularity है She accepts that. Yeah. बहुत humbly. खुले दिल से. Yeah. इसको अभी भी थोड़ा सा problem होता है एक लोगों में जाना या तस्वीर. Humble नहीं हो पा रही हैं. नहीं नहीं तस्वीर खिंचवाना या. हिचकिचाहट है. हिचकिचाहट है थोड़ी सी इसको अभी भी. तो probably that quality. All right. मतलब और confidence मिल जाए लोगों से interact करने में ये वाली बात हो जाए. She's an introvert by nature. Yeah. वो she's not in this industry because she wanted to be famous. It's just for the love of craft.
I believe. लेकिन ये by products हैं तो वो acceptance में थोड़ी problem हो रही है maybe. तो दोनों में से हिबा is the introvert and Ari is extrovert. नहीं both. अच्छा both of us. We are like अच्छा we at times कभी he is introvert कभी he is extrovert and I'm something sometimes I am like that. आखरी मेरे पास तस्वीर है अगर आपकी इजाजत हो तो दिखा दूं. देखिए. Prince Charles. You want me to say this? दौलत. सबसे पहली बात ये कि ये प्रिंस विलियम है. तो अभी बताइए एक प्रिंस की फिट मैंने दिखाई है पिक्चर आपको क्या क्वालिटी है जो आप चाहेंगी कि इनकी अपना घर छोड़ दिया इन्होंने अपनी बेगम नहीं 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 ये वो वाले नहीं है वो वाले नहीं वो इनके छोटे भाई हैं छोटे भाई हाँ. नहीं नहीं वो मेगन वाले हैं ठीक है ठीक ये दूसरे ये मेगन वाले हैं क्या बात है वो लड़की वाले हैं वो लड़की वाले मेगन वाले हैं मेरी अम्मा ने मुझे एक बार बताया था वंस शी टोल्ड मी कि जब जो घर होता है वो औरत से होता है और उसकी वजह ये थी कि जब हम कभी बात करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि मामी के पास जाना है यू नो या खाला के घर जाना है या किसी के घर जाना है वी डोंट से कि मामू के घर जाना है कुछ वो बहुत ऐसे होता है कि वो औरत से घर एसोसिएट होता है कि वो औरत होती है तो वो घर घर लगता है ऐसे केट वाला है और वो मेगन वाला है और कुछ ही बचा बहुत सारी गालियां है कि इनके पास सब कुछ है तो दौलत ही है एक ही चीज है जो नहीं है वो हम इनसे ले लें लेकिन क्या बहुत आप दोनों में से कोई मटेरियलिस्टिक टाइप है लाइक डू यू थिंक दैट मनी मैटर्स कौन नहीं सोचता मनी मैटर्स आई थिंक दैट्स डिफरेंट मटेरियलिस्टिक इज डिफरेंट I have never prayed for a lot of money. I just pray to have enough. And I believe कि ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छी चीज़ है. Very good. I think that ऐसा ही होना चाहिए. अल्लाह पाक इतना दे दें कि ज़रूरतें पूरी हो पाएं. और अब जो पिक्चर मैं आरिज़ अहमद को दिखाने वाली हूँ, पाकिस्तान एंड ग्लोबली मशहूर चल रहा है चेहरा, इनकी खूबसूरती को लेके है बहुत सारा चर्चा. I'm excited. Yes. अरे वाकई यार सी जेन्युइनली शी लुक वेरी नाइस द शी लुक्ड अमेजिंग बेटे की शादी में बहुत अच्छी लगी है इसमें कोई डाउट मरियम नवाज का कोई एक ऐसा फीचर और पर्सनालिटी ट्रेट इंतहाई कंट्रोवर्शियल फैमिली हमारे बड़े गिले भी हैं इनसे और काफी सारे गिले लेकिन लेकिन हां बट पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह पे है When you go in Punjab, followers बहुत हैं और अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं खुद पंजाबी। She doesn't care about what people say about her and the family. She doesn't care. Doesn't give a. और ये जो quality है, not care वाली, ये carefree रहना चाहिए। तो हिबा को फर्क पड़ता है? कोई बुरा comment आ जाए, कोई mean चीज आ जाए, थोड़ी trolling हो जाए, कुछ हो जाए? Slight. है। हाँ। Okay. Slight तो I think थोड़ा तो effect होता है। पर इनको probably नहीं होता। उससे मुझे लगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पर अगेन आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं ये शो कराते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता पर सबको कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब वो लोग जो हमारी तारीफें करते हैं उसमें कहीं एक कोई ऐसा कमेंट दिख जाता है जिसमें कोई बदतमीजी कर देता है मीन बात कह देता है वी आर टेकिंग अ ब्रेक एंड वी आर गोना कम बैक वेरी सून सो यू डोंट गो एनीवेयर एंड कीप ऑन वाचिंग द कपल शो सीजन 2 वेलकम बैक और हम लोग अब खेलने वाले हैं हमारा आज का लास्ट सेगमेंट जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसका नाम क्या है ना इसको वैसे तो हम कहते हैं गेस व्हाट लेकिन इस सेगमेंट का नाम हमें मिला है वकार भाई से हम इसको कहते हैं हुड़पुज अच्छा वैसे दोनों में से ज्यादा अच्छी ड्रॉइंग किसकी है मेरी बहुत बुरी है और हिबा की मेरी भी बुरी है तो हिबा बार बार क्यों कह रही आ रही है तो अब हम देखेंगे कि दोनों में से प्रॉब्लम बट नो आगा आज ये पता चलेगा कि दोनों में से ज्यादा बुरी ड्रॉइंग किसकी है चलिए दैट इज अ कंपटीशन आइए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं देखने से तो पता लगेगा नहीं मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा चकोर वो बहुत गहराई में हो रही है ये पेंटिंग में बता रहा हूँ ठीक है नहीं लिख सकते लिख क्या मतलब राइट अरे तो ये तो यू कांट राइट एनीथिंग नो एल्बम यू कांट राइट टीचर आई वाज ड्राइंग टीचर टीचिंग
यार ये चीटिंग हुई. चीटिंग कैसे हुई? आई वाजंट राइटिंग द नेम. आई वाज ओके भाई बात यार आई विल गिव इट टू ओके टीचर. यस दैट वाज अ गुड गेस. अच्छा है लेकिन आप अपने हेडमास्टर को कुछ खिलाइए पिलाइए बिल्कुल सेहत वाले लग रहे हैं वो. लेकिन कोई बात नहीं, अब बारी है हमारे हीरो की. जी आपका वक्त शुरू होता है. बहुत बड़ा गोल. ये दुनिया गोल है. दुनिया गोल है. ओके आई डोंट डिस्ट्रैक्ट. तरबूज. डोंट डिस्ट्रैक्ट. डोंट डिस्ट्रैक्ट. आई हैव टू. मेरा काम है यार, मुझे पैसे देने. एक और गोल. बाबा. फादर. फादर नहीं. हाय. नहीं नहीं नहीं. इट्स बेसिकली आलू और उसको पसंद करता है एक बच्चा. ठीक है. नहीं क्या? आई डोंट नो. द बच्चा हैज ओनली वन नॉस्ट्रिल. आई गॉट इट. It's a swimming pool. करो ना आप करो जल्दी. अच्छा मैं खुद नहीं बता पा रहा कि मैं क्या बना रहा हूँ और मुझे क्या पता लगा. आप नहीं छोड़ा. आप जल्दी जल्दी करो. This man is. No, you can't talk. Okay. एक और गोल. तीसरा गोल. बहुत ही गोल ड्राइंग है भाई लड़के की. Come on, Aris, you can do this. That. कितना टाइम रहता है हमारे पास? I'll tell you. Okay, okay, wait. A duster देना. You can always give a hint. You know, draw something related to that person. How much time is left? 15 seconds. I like. अरे केला. केला नहीं. All this time. मुझे तो कश्ती लग रही है like नदियाँ में. Sailor. 10. This is not a ship. अरे पापा the sailor. This is not a ship. Then. This is something. And there is a man. Seven. Hanging. Not hanging. Floating. Six. Five. Four. Three. Two. One. Are zero. ये क्या है? अरे ये क्या है? बताना नहीं. एक मिनट. बताना नहीं. देखो सबसे पहले मैं आरएस का ना माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि आरएस ने बनाया है चांद. और उससे पहले तीन गोल. जो आरएस के मुताबिक इस किस्म का होगा. बट मैं ये जानना चाहती हूँ आरिज ने एस्ट्रोनॉट के तीन गोल क्यों बनाए. वो चांद था, वो आदमी था और वो पीछे किसी को दिखा रहा था. बट आगे वो लगाना था ना कि वो देख रहा है. आप समझ गई. बिल्कुल सही शादी आप लोगों ने की है. बहुत क्योंकि कोई नहीं समझ पाया कि तीन गोल का मतलब क्या. एंड शी इज लाइक कि वो चांद था, वो आदमी था और कौन तीसरा कौन था गोल. वेरी गुड यार, दैट्स इंटेलिजेंट. बहुत सारी तारीफ. बहुत कॉन्फिडेंस में एवा ने मार कर रखा है भाई. नहीं क्योंकि बहुत मुश्किल है. जी जी. लाउडस्पीकर के बाल. यार वो नहीं लग रहा जिसमें से वो बॉम्ब निकलता है. व्हाट डू यू कॉल दैट? कैनन. जो वॉर्स में यूज होता है. ये क्या बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग हो रही है. पर ये है एक क्या? एक इंसान है. इज इट अ कार्ट? कैन आई डू दिस? नहीं इट्स अ कार्ट. वो भुट्टे बना रहा है. यस रियली. वो भुट्टे बना रहा है क्या? ये बनाने पे भी गेस हो गया. ये भुट्टे वाला क्यों भुट्टा नहीं खा रहा है खुद? हिबा का भुट्टा वाला हिबा की टीचर दोनों को सेहत की जरूरत है. पर वेरी नाइस. क्या ड्राइंग नहीं है ये लेकिन है. आपके पार्टनर को पता चल जाए. और ये लोग मतलब इतना समझ गए दूसरे को कि कमाल है. कैसा दिया? अच्छा इसमें भी बनेगा तो गोली. एक और गोल. वाह. नहीं गोल नहीं. गोल नहीं. गोल नहीं. डस्टर. छोटा गोल. ओके. ये हाथ कहाँ जा रहा है? ये लगा इधर. ओके.
क्या है ये? तंदूर वाला. पता क्यों हुआ? ये जो इसने बोला ना, ये लगा इधर. This is what she got. मुझे लगता है ये जो इसका हाथ है, इसका पहले प्लास्टर वास्टर कराओ. बाहर भी है पकोड़े. अच्छा, दिस आई डोंट नो व्हाट आई थिंक. ये उसको ग्रेवयार्ड वाला जो बंदा होता है वो है ना, क्योंकि वो उसको दफना रहा है. जी, तो आपका वक्त शुरू होता है अब. समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं. मरीज भी ला गए. कॉफिन है क्या? नहीं. ओके, नो 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 नो. चलो ये पौधे हैं और मेरे ख्याल से ये पानी डाल रहा है. पानी डाल रहा है वो पौधों को. इज दिस अ ग्रेव? नो. इज दिस अ मैन लाइंग? हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, हकीम, मसाज वाला. मसाज वाला मसूस लग रहा है ना, ऐसा सर दबा रहा है मामला है ना. वेट. ओके, हमारे पास कितना टाइम रहता है आगा? 30 सेकंड्स. 25 एक्चुअली. हाउ डू यू इवन मेक इट? मैं तो कह रहा हूं हेबा यही लिख दो. हाउ डू यू मेक इट? ऑपरेशन थिएटर है क्या? लिख के बता दूं? नहीं, लिख के नहीं बताना. ड्रॉ करना है. कितना टाइम रहता है हमारे पास? करने की कोशिश करो. क्या लग रहा है ये? क्योंकि 15 सेकंड रह गए. नहीं, बहुत. यू राइट, मैंने गलत बनाया. अच्छा, गलत बनाया. चलो भाई, 15 सेकंड है. ओके जी. ओहो. 13, 11, बट यू वर ऑलमोस्ट राइट. ऑलमोस्ट. ओके. 10, 9, अरे 8, 7, 6, अजीमुशान छह छह क्या? 5, 4, 3, 2, 1. It was a dentist. I know. यार इतने अफसोस की बात है. दांत बनाने में बहुत. फिर से एक थोड़ा एक आदमी बस. ठीक है, आप बता रहे हो एक आदमी है. सकते आप एक कमजोर व्यक्ति भाई. एक लड़के को गोल शेप से बहुत लगाओ. एक हाथ देखो और दूसरा हाथ देखो. ये क्या हो रहा है? पकौड़े बेचने वाला. वो इंसान के ऊपर पकोड़े क्यों बेच रहा है? This is actually वो लेटा हुआ आदमी मांग रहा है. And there's so many dots. Yeah, वो पकोड़े बिखर भी गए हैं थोड़े अंदर. बाहर भी हैं पकोड़े. अच्छा, this I don't know what. I think ये उसको ग्रेवयार्ड वाला जो बंदा होता है वो है ना, क्योंकि वो उसको दफना रहा है. ऐसा कुछ है. क्या कहते हैं उसको? गोरखा. Oh, 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 o
बहुत सारी अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज द टफेस्ट यस एंड बाय दिस ड्रॉइंग हैव अ लुक प्लीज दिस इज अ पेंटिंग दैट हैज गॉट एक्ने और बहुत सारी तालियां दिस वॉज अ वंडरफुल गेम और मैं ये कहूंगी कि हमने दोनों को ही टफ दिया था जो प्रोफेशन से बट मैं पता है मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस दोनों की ड्रॉइंग अच्छी नहीं है द बेस्ट थिंग इज कि आप दोनों समझ गए अंडरस्टैंडिंग और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे जाने का वक्त हो गया एंड वी रियली हैड ग्रेट फन विद यू गाइस बहुत मजा आया गाने गा के डांस करके ड्राइंग बना के और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइस आर टुगेदर बहुत ही अच्छे लगते हो साथ में बहुत अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह एब्सोल्युटली माशाल्लाह और दोनों को अल्लाह नजरे बद से बचाए आमीन आमीन और जाने से पहले वो सब लोग जो आप लोगों को इतना प्यार करते हैं जिन्होंने स्पेकुलेट किया कि ये आप लोग एक हो और अब वो जानते हैं कि आप लोग एक हो गए yes. तो उनसे अगर कुछ कह दो दिल की बात वन बाय वन यू नो राइट इन द कैमरा दैट्स योर या कोई एक ऐसी टिप आप देना चाहें एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप और कंपेनियनशिप की क्योंकि आप दोनों माशाल्लाह दे सकते हैं दोनों एक एक टिप दे दें जस्ट लिसन एंड जस्ट रियली लिसन ओके सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने yes, जवाब एंड हिबा क्या टिप देंगी हिबा ने पहले फीडबैक दिया है और इसको अब कि बात करनी चाहिए आई थिंक जो कम्युनिकेशन गैप होती है वो सारी बेसिक रूट होती है वाह यार एक कह रहा है सुनो एक कह रहा है बोलो क्या बात है मैं कहती हूं कि माशाल्लाह 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 इसी नोट पे हमें हिबा और आरएस से लेनी होगी इजाजत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस क्या बात है मैं कहता हूं वाह एक का मैसेज सुनो एक का मैसेज बोलो तो मैं आपसे ये कहूंगा कि प्यार में ऐसे ही बोलते रहो सुनते रहे हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के लेट मी जस्ट से दिस आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी थी बिकॉज हम लोग हम थके हुए थे हम दोनों काम से आए थे आप लोग भी सुबह से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी थी कि वो इतना पॉजिटिव सा हमें आया कि वी वर जस्ट यू नो डूइंग एवरीथिंग एंड एवरीवन आउट देयर द बैंड वो जो बीट बजा रहे थे इट वाज लाइक ऑसम के ही वाज आस्किंग मी कभी कभी कि आई वांट टू डांस आई सेड ओके चलो सही है ठीक है सो एवरीथिंग वाज ग्रेट एवरीथिंग वाज परफेक्ट थैंक यू सो मच इट वाज एन ऑनर हैविंग यू गाइस ऑन द शो रखिएगा बहुत 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 ख्याल हिबा बुखारी एंड आरिज अहमद हमारे साथ एक बेहतरीन एपिसोड आप सबने देखा और एंजॉय किया होगा मैं आगा आरिज और हिबा बुखारी लेंगे आप सबसे इजाजत रखिएगा बहुत बहुत ख्याल And keep watching The Couple Show Season 2.